अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन डूइंग वेल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी मेरे नाश्ते का टाइम है, सो मैं नाश्ता कर रही हूँ आप लोगों के सामने। ब्रेड है, एग है और मैंने अपना लंच भी थोड़ा सा रेडी कर लिया है, जिसमें पाया और खरबूजा मैंने लिया है। तो चाय है एक कप साथ, इंजॉय करने लगी हूँ, आप भी करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो अभी मैंने आज ऑर्डर किया है पास्ता, जो कि बेकहट से है, ठीक है, और बहुत ही इनका यमी होता है। लेकिन भाई ने बहुत ज़्यादा खा लिया, तो वो मुझे कह रहा था कि आइंदा से वो नहीं इनका मंगवाया करेगा, बिकॉज उसका दिल भर चुका है खा खा का। सो अभी इसको मैं उतारती हूँ और ट्राई करते हैं इसको। पहले तो वैसे मैंने खाया हुआ है, मुझे तो अच्छा लगता है इनका, बट आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है यार। आने वे खाते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये गार्डनिंग वाला भी काम कर लें, प्लांटेशन वाला। तो मेरे कुछ बीज वगैरह थे, पपीता मैंने काटा था, तो मेरे मुझे वो अच्छा लगा टेस्ट के हिसाब से, और मैंने सोचा कि इसकी क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट कर लूँ, कि मतलब इसके बीज को बो दूँ और हो सकता है कि उसमें से प्लांट निकल आए और ये उग जाएं। तो मुझे जो जिसे हम खुरपा बोलते हैं, जिससे ज़मीन को नरम करते हैं, वो तो मुझे मिला कोई नहीं, क्योंकि रात के अभी 9:30 बज चुके हैं और मैंने किसी को जगाया अभी नहीं, इवन मम्मी अपने रूम में थे। तो मैंने बस ये एक मुझे मिला, इससे मैंने बस खुदाई करना शुरू की है। और मैंने यही सुना है कि नॉर्मल खुदाई करते हैं, ज़्यादा खुदाई नहीं करते, और मुझे यूँ लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही खुदाई कर रही हूँ। आने वे अभी इसकी ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी खुदाई और कर लेते हैं, और इसमें बस साथ ही जो मैंने बीज निकाले हुए हैं पपाया के, वो इसमें डालकर इसको अच्छे से कर देते हैं जनाब कवर। और मैंने थोड़ा थोड़ा उसके साथ पपाया भी छोड़ा है, ताकि मतलब अच्छे से हो सकता है कि अच्छे से जो बीज हैं वो उग जाएं। तो होप फॉर द बेस्ट, मैंने इसको अभी कवर भी कर दिया। पानी इसलिए नहीं दे रही क्योंकि रात का टाइम है, और इंशाल्लाह सुबह सुबह उठकर इसको पानी देंगे। तो 3-4 दिन के बाद मैं भी देखूंगी, अगर तो इसका पौधा उग गया तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, दिखाऊंगी आपको, अगर ना होगा तब भी आपको दिखा दूंगी गाइस। तो दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये पपाया बहुत पसंद आया है। तो रात के हो चुके हैं ऑलमोस्ट 10:30, मैं भाई का वेट कर रही थी खाना खाने के लिए, तो सो वो आ तो चुके हैं, और लेकिन उन्होंने खाना खा लिया है ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैंने सोचा कि अगर मैं अब खाना खाऊंगी तो मुझे या तो एसिडिटी हो जाएगी, या फिर मेरा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं सही तरह होता, इसलिए मैंने फिर प्रेफर किया है कि अभी खरबूजा ही खा लूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पुप्पो के साथ और कज़न आया हुआ है, मेरे साथ मार्ट पर जा रही हूँ, क्योंकि पुप्पो कुछ काम था। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना चलूँ, मुझे अगर कुछ अच्छा लगता है तो मैं भी चली ले लूँगी, और मामा के लिए केक भी लेना था। सो बस वही उसी के लिए मैं आ गई हूँ इनके साथ। तो ये देखें भाई, आकर मैं आप लोगों को साथ साथ बताती चलूँ, इनकी न्यू शॉप बनी है, और इनकी जो मार्केटिंग है, मैं क्यों करूँ भाई, मैं तो अपने व्लॉग के लिए ये छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, तो बस छोटी सी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं करूंगी, क्योंकि भाई फ्री का काम आजकल के ज़माने में कौन करता है, सोचने वाली बात है कि नहीं। हाँ जी है, बिल्कुल, हर बंदा लालच है अपने काम को लेकर, लालची है। 40 का एक है, एक चाहिए था। एक चाहिए कुड़ी, ले लो फिर। हाँ ले लो, अरे यहाँ ले लो कुड़ी, अभी रखो ये बस, कोई नहीं नहीं ले लिया, कर लेना है, डर है कोई जरूरत नहीं है, टैग लगा हुआ नहीं, एक और ले रख, अरे मैं पैसे देनी है ना, के छोड़ पर छोड़ दो बस,
गाइस मैं फाइल देखने आई हूँ, पता नहीं मिलती है कि नहीं यहाँ पे। ऐसा सच तो कोई माल ही नहीं पड़ा होगा यहाँ पे। स्टेशनरी लिखा हुआ लेकिन है कोई चीज़ नहीं। हाँ ये है, चेक करते हैं। चीज़ें ले ली हैं और अब हम घर जाने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। तो आज संडे है और काफ़ी सारी रूटीन यानी इतने सारे काम किए हैं और मुझे व्लॉग का टाइम भी नहीं मिला। तो अभी मैंने सोचा कि खाना बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं आज क्या पका रही हूँ। हर संडे को हमारे घर बिरयानी बनती है और अभी मैं वो बना रही हूँ, ये देखें। बस ये जब बन गई फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसी बनाई है। तो बिरयानी के लिए जो चावल वगैरह है वो भी मैंने भिगो दिए हैं, ये देखें। बाकी सारा सामान भी रेडी है और अभी मैं रायते के लिए भी बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो देख रही हूँ, ठीक है। तो बस ये जब रेडी होती है तो आप लोगों को फिर मैं बताती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अभी मैंने खाना भी खा लिया है और सो अभी चाय का टाइम हो गया है। चाय का टाइम कुछ याद आया आपको? चाय का टाइम, चाय का क्वांटिटी कितना होना चाहिए। एनीवे आपको याद तो आ गया होगा। तो चाय भी रेडी है, ये देखें मैंने आज बनाई है ना, इसलिए ये इतने सोने तरीके से मैंने चाय डाली है। और ये एक मेरा है, एक खाला का है। खाला खाएंगी, चाय की क्वांटिटी देख लें कम है। और खाला अपना कप लेकर आ रही है, मैंने अपनी बनाई है शुगर फ्री। खाला तो ऑब्वियसली चीनी वाली पीती हैं, सो बस अभी ये पियेंगे, ठीक है। और आप सुनाएं, मेरा तो बस यही इसी तरह का ही वक्त गुजर जाता है, पकाते और खाते। कभी कुछ पका रही होती हूँ, कभी कुछ बना रही होती हूँ और खाते हुए, और टाइम इतना ही नहीं होता कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा भी पकाने के दौरान मैं अपना कोई व्लॉग शूट कर लूँ, कोई वीडियो बना लूँ, तो वो मेरे से मैनेज ही नहीं होता। तो बस यही है कि खाने के टाइम वीडियो बन जाती है तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो वैसे देखने वाले ये समझते होंगे कि मैं बहुत ही फूडी हूँ, कि हर टाइम खाती ही रहती हूँ और सारी वीडियोज़ ऑलमोस्ट खाने वाली हैं। एनी वे लाइफ विद नथिंग विदाउट खाना, तो सो आप भी इंजॉय करें, मैं भी करती हूँ, बहुत मज़े का है। ले के मामा के लिए आई थी लेकिन मामा ने खाया कोई नहीं, सो मैं इसे खाने लगी हूँ। मज़ेदार।